हाय आशीष, आई एम श्रुति, कैसे लग रहा है आज? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा से चाहता था कि कॉलेज से डायरेक्ट टच में रहे हम लोग 2015 बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो अब आज मैं आया था डिग्री लेने MBA की फ्रॉम माई फ्रेंड्स। तो जब भी कॉलेज आते हैं मैम, अच्छा लगता है इंट्रैक्शन करना सर से। तो अब हमारी कोशिश यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी MBA बैच के हैं और डिफरेंट फील्ड के प्रोफाइल्स के हैं, तो हम उन लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि व्हाट आई हैव डन इन पास्ट ईयर्स, हम लोगों ने कैसे देखा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल प्लस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि थ्योरिकल से बेटर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। How was your experience in your college life? How was your days in college life? That was fantastic. Fantastic. Yeah. You enjoyed it very well. Very well. Or aisi koi memories you want to treasure it for a long time, for your long future time? Aisi koi memories jo college se judi hui ho aapki, aur jisse lagta hai ki main na hamesha usko treasure karunga, usko hamesha us cheez ko rakhunga apne dimag mein, aisa koi hai aisi memory jo aap share karna chahte ho? Aisi memories to hain, jaise hum log 4 ka group tha, आशीष गुप्ता, आशीष माथुर, मी माई सेल्फ एंड रतुल सिंह गुर्जर एंड मीनू यादव। तो हम लोग को एक टास्क दिया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में इवेंट हमारे कॉलेज में हो रहा था, तो इन्विटेशंस के लिए, और बाकी और स्टूडेंट थे बट वो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे, लोकल नहीं थे, हम लोग लोकल थे। तो हम दोनों के पास बाइक थी, आशीष गुप्ता एंड मेरे पास। तो हम लोग बाइक से ही निकल जाते थे और सर बोलते थे डोंट वरी अबाउट नोट्स, वी विल मैनेज। तो वो आउटिंग रहता था हमारा, तो एक इंट्रैक्शन होते थे डायरेक्टर्स फॉर डिफरेंट कॉलेज से, अट्रैक्शन होता था, इनविटेशन देते थे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती थी उससे। तो एक वो प्रैक्टिकली हमको एक इन्वॉल्वमेंट मिला, और काफ़ी यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए। तो मैं ऑलवेज ऐसा वॉलंटियर रहा हूँ ज़्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ऐसे सलमान खान कहता था कि बॉडी गार्ड की तरह ऐसे रहता था। तो प्रियस सर थे पहले यहाँ पे, प्लेसमेंट हेड थे, तो यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आना अलाउड नहीं था, तो यहाँ से वो खुद भी चले गए। ओके। बोले इतना फियर, मैंने कहा नो सर फियर नहीं है, थोड़ा सा फैन है सलमान खान का, वो रहता ही है। एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस कॉलेज, लाइक एक्चुअली व्हाट, मतलब एक क्वालिटी, कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो आपने यहाँ से लर्न करी, लाइक बॉन्डिंग विद द टीचर्स, बॉन्डिंग विद द स्टूडेंट्स, कोई जिंदगी, कोई पैशन, कुछ ऐसी लर्निंग जो आप हमेशा उसको ट्रेजर करोगे, और कहीं ऐसी लर्निंग नहीं हुई थी इस कॉलेज से, आपकी ऐसी लर्निंग हुई है? टॉकिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, एनीथिंग। मैम यहाँ से एक एंथुसियाज्म मिला था हम लोगों को, हम स्कूलिंग करके आए थे और कॉलेज में ऐसे, मतलब लास्ट में से ग्रेजुएशन में ऐसे मार्क्स भी नहीं थे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो हो गया था कि रिग्रेशन भी आ गया था कि अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। बट जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो सीखने को ज़्यादा मिला, इन द सेंस ऑफ रटने से ज़्यादा सीखने को यहाँ मिला, इंट्रैक्शन कैसे करते हैं, लोगों किससे बात करते हैं, स्टूडेंट से कैसे करते हैं, स्टेज फियर दूर हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे वो एक स्टेज परफॉर्मेंस भी होगी, या स्टेज परफॉर्मेंस थी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, ट्रैफिक डॉक्यूमेंट्री, जो हम लोग बाहर जाके वहाँ पे करके आए थे, ट्रैफिक पुलिस का एक इंटरव्यू लेके आए थे, वही सेम ग्रुप वी आर 4। एंड देन आफ्टर दैट वन प्रेजेंटेशन वी हैव गिवन। कोई ऐसा कैप्शन देना चाहते हो खुदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, कोई कैप्शन, कोई फ्रेज, कोई लाइन ऐसी जो आपको लगता है कि खुदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बिल्कुल फिट रहती है, ऐसी कोई फ्रेज या कैप्शन दिमाग में आता है? सर फ्रेज ये है कि अगर पुराने जैसे मिलते हैं तो उन लोगों के लिए मैं भी ये कहूँगा टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, ओह दैट इज वेरी नाइस, कि खुदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक फ्रेज और कैप्शन मिला है, टाइगर अभी जिंदा है।